नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक लर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ मध्यमा उंगली के विषय में। जी हाँ दोस्तों, मध्यमा उंगली का हमारे हथेली में कितना महत्व है और हमारे जीवन में भी कितना महत्व है इस विषय में। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं हस्तरेखा के ऊपर, पामिस्ट्री के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द चला जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं मध्यमा उंगली के विषय में। मध्यमा उंगली जो होती है वो मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता और भाग्य का द्योतक होती है। मध्यमा उंगली की जो लंबाई होती है उसका बड़ा महत्व होता है। यदि मध्यमा उंगली की लंबाई जो है वो साधारण स्थिति से ज्यादा लंबी हो इस तरह से, तो व्यक्ति जो है मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला और थोड़ा सा मंदबुद्धि भी होता है, मतलब उसे सही और गलत की समझ ज्यादा नहीं होती। ऐसे लोग जो है काफी दुखी होते हैं, ये दूसरों से बिना मतलब की बहस और कलेश करने में इंटरेस्टेड होते हैं और काफी तानाशाही नेचर के होते हैं, मतलब कि अपनी बात को जैसे भी हो मनवाओ, इस तरह के चरित्र के होते हैं। अगर ये मध्यमा उंगली, ये तर्जनी की उंगली के बराबर इस टाइप में, यहां पर इस शेप में हो इस तरह से, तो व्यक्ति जो है उच्च पदस्थ, प्रतिष्ठावान, जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला, और ऐसे लोगों को जीवन में वो सारी चीजें मिलती है जिनकी ये आकांक्षा करते हैं। अगर मध्यमा उंगली की ऊंचाई कनिष्का उंगली के बराबर, जो कनिष्का उंगली की जो ये ऊंचाई है इसके बराबर अगर मध्यमा उंगली की ऊंचाई हो इस तरह से, तो व्यक्ति जो है कल्पनाशील होता है, वो जरूरत से ज्यादा सपने देखने में व्यस्त होता है, कम बुद्धि वाला होता है और थोड़ा सनकी होता है, मतलब इनको जब जो चाहा वो करने के लिए उतावले हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार अगर मध्यमा उंगली अनामिका उंगली के समान हो, अनामिका उंगली की जो लंबाई है उसके समान अगर मध्यमा उंगली हो इस तरह से, तो व्यक्ति जो है सटोरी यानी सट्टा खेलने वाला, जुआ खेलने वाला, या समझ लीजिए कि बिना किसी चीज को सोचे दांव पे लगा देने वाला, गलत तरह के रिस्क को लेने वाला, ऐसा व्यक्ति जो है एक तरह से समझ लीजिए कि जुआ, सट्टा या किसी भी तरह के अन्य व्यसनों में काफी ज्यादा रत रहता है। अगर मध्यमा उंगली बाकी तीन उंगलियों से जरूरत से ज्यादा छोटी हो, ये हाइट लिए हुए हो इस तरह की हो, तो व्यक्ति जो है असफल होता है तथा अपराधी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग जो होते हैं चोर उचक्के, या समझ लीजिए कि गलत तरीके से धन का उपार्जन करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये धन उपार्जन करने के लिए जरूरत पड़े तो किसी का भी जान ले सकते हैं, या वो कोई भी गलत काम करे जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा धन मिले, उस ओर इनका ध्यान रहता है। अब बात कर लेते हैं कि मध्यमा उंगली के ये तीनों पर्वों में बनने वाले चिन्हों के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मध्यमा उंगली के प्रथम या दूसरे पर्व में नक्षत्र का चिन्ह हो, प्रथम पर्व इस तरह से या दूसरे पर्व में इस तरह से नक्षत्र मतलब सितारे का चिन्ह हो, तो व्यक्ति काफी उच्च पदस्थ होता है, मतलब उच्च पदाधिकारी होता है, ये सोसाइटी में काफी मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है काफी फेमस होता है और दूसरों को हेल्प करने वाला और अपने कार्य क्षमता द्वारा समाज में अपना नाम बनाता है। मध्यमा उंगली के तृतीय पर्व में कोई अगर नक्षत्र हो, ये तीसरे पर्व में अगर कोई नक्षत्र इस तरह से बना हो, तो व्यक्ति जो है ऐतिहासिक व्यक्तित्व का स्वामी होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो है कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं कि ये एक तरह से समझ लीजिए कि इनको इतिहास रचने वाला कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम अपने सोसाइटी में किसी भी तरह का परिवर्तन लाना, जिसे कहते हैं समाज सुधार, या ऐसे लोगों को कई कई बार समाज सुधारने के चक्कर में मृत्यु दंड तक मिल चुका है, या
ये लोग जो है किसी सच को प्रतिपादित करने के लिए अपना जीवन तक निछावर कर जाते हैं। अगर मध्यमा उंगली के सभी पर्वों में खड़ी रेखाएं हों, इस तरह से खड़ी खड़ी रेखाएं बने सभी पर्व में, तो व्यक्ति जो है काफी साहसिक होता है। ऐसा व्यक्ति जो है, इन लोगों का भाग्य काफी अच्छा होता है एवं ये रेखाएं जो है भाग्य उदय में काफी सहायक भी होती है। यानी कि उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये ऐसी रेखाएं बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत कम संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, बहुत ही कम संघर्ष करके इनको बहुत सारी चीजें अपने मन के हिसाब से मिल जाती हैं। मध्यमा उंगली के तीसरे पर्व में कोई खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति जो है अभिमानी और अहंकारी होता है। अगर इन दोनों पर्व में कोई रेखा नहीं है, सिर्फ तीसरे पर्व में खड़ी रेखाएं हैं और लंबी रेखाएं हैं, इस तरह से काफी लंबी लंबी रेखाएं हैं, तो व्यक्ति जो है अभिमानी प्रकृति का होता है। मतलब ऐसे लोग जो है बेवजह अपने आप को अहंकार में डुबा के रखते हैं। अगर मध्यमा उंगली का अगला सिरा चौरस हो, चौकोर लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है कानून का ज्ञाता होता है। ये कानून की बारीकियों को जानने वाला होता है और ऐसे लोग जज, बैरिस्टर या लॉयर होते हैं। अगर मध्यमा उंगली का ऊपरी सिरा बहुत सुंदर गोलाकार लिए हुए है, तो व्यक्ति जो है गणितज्ञ होता है, वित्त, व्यापार और बिजनेस के काम में काफी पारंगत होता है। ऐसे व्यक्ति जो है बिजनेस में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। अगर उंगली का अगला सिरा, ऊपर वाला हिस्सा जरूरत से ज्यादा चौड़ा हो, इस तरह से चौड़ाई लिए हुए हो, तो व्यक्ति जो है काफी वाचाल होता है। मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा बात करने वाला होता है। ऐसे लोगों में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं पाई जाती। अगर मध्यमा उंगली का ऊपरी सिरा नुकीला हो, जैसा कि इस तरह बनाया हुआ है, इस तरह का नुकीला हो, तो व्यक्ति जो है कला प्रेमी, साहित्यकार, नाट्यकार, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति का उपासक होता है। ऐसा व्यक्ति जो है नेचर के करीब रहना काफी पसंद करता है और अकेले रहकर नई नई चीजों का सृजन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा राइटर, अच्छा डांसर या समझ लीजिए कला से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उस विषय में इनको काफी इंटरेस्ट होता है और इसी विषय में ये लोग करियर भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था मध्यमा उंगली के विषय में कि मध्यमा उंगली में कौन कौन से चिन्ह होने से क्या क्या आपके जीवन में इफेक्ट हो सकता है उस विषय में। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।